नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है भारत में पुलिस सुधार। इस पर आप लोग हमेशा देखते रहते होंगे, चर्चा बनी रहती है पुलिस सुधार करने की, पुलिस में सुधार करने की। तो उसी से संबंधित आर्टिकल है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें सभी पक्ष हम लोग लगभग देखने की कोशिश करेंगे। भारत में पुलिस सुधार। संविधान के तहत पुलिस राज्यों द्वारा एक शासित एक विषय है, यानी कि राज्य सूची का विषय है आपका पुलिस। आपने देखा होगा सभी 28 राज्यों में से प्रत्येक के पास अपनी पुलिस बल है। आर्टिकल लिखने वाले भी बड़े गजब के होते हैं। देखिए अब आपके अभी जून 2020 की बात कर रहा हूं मैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में है, ना कि दिल्ली सरकार की। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी पुलिस केंद्र सरकार के हाथ में होती है। उनका यानी कि केंद्र शासित केंद्र का अधिकार होता है पुलिस पर। ठीक है, केंद्र को कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, राज्यों की सहायता करने के लिए अपने स्वयं के पुलिस बलों को बनाए रखने की भी अनुमति है। इसलिए यह 7 केंद्रीय पुलिस बलों और कुछ अन्य पुलिस संगठनों जैसे खुफिया कार्य, जांच, अनुसंधान, रिकॉर्ड कीपिंग और विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षण बनाए रखता है। तो याद रखिए जो वो पुलिस है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी रू वीरो वीरो समिति 1998 98 में आती है। पुलिस सुधार से संबंधित एक समिति थी। तो कई बार आपका प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है सिविल सर्विस, या फिर स्टेट पीसीएस में, या वनडे एग्जाम में भी आपका पूछ सकता है कि रूबीरो समिति किससे संबंधित थी। तो आपको याद रखना पुलिस सुधार से। 1996 में दो पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल मैं उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकारों को निर्देश देने के लिए न्यायालय ने से मांग करना। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आयोग की सिफारिशों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। इस तरह रूबीरो समिति का गठन किया गया। इसके नेतृत्व में समिति JF रिबेरो पूर्व पुलिस प्रमुख 1998 और 99 में बैठे और दो रिपोर्टों का इसमें उत्पादन किया यानी कि बनाई। पद्मनाभ नाभ समिति ये आपकी सन 2000 में। सन 2000 में सरकार ने पुलिस सुधार पर एक तीसरी समिति का गठन किया। इस बार एक पूर्व केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में के पद्मनाभ इस समिति में शामिल थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर रख दिया गया। इस समिति में उसी वर्ष अपनी रिपोर्ट जारी की। फिर मलिमथ समिति ये 2002-3 में आई। मार्च 2003 में प्रस्तुत की गई मलिमथ कमेटी की रिपोर्ट ने बहुत ही कलात्मक ढंग से एक पुनर्गठन और पुनर्निर्मित पुलिस प्रणाली की नींव रखी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आपराधिक न्याय प्रशासन की पूरी प्रक्रिया की सफलता पूरी तरह पुलिस संगठन के उचित कामकाज पर, विशेष रूप से जांच का चरण में निर्भर करती है। याद रखिए इन समितियों को आपको याद रखना है, अगर कहीं आप आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं तो वहां भी डाल सकते हैं आप लोग इनको, तो आपका आंसर प्रभावशाली हो जाएगा। अपराधों की जांच के अलावा कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम भी आपकी पुलिस का है। पुलिस अधिनियम मसौदा समिति 2005 2005 में सरकार ने भारत के लिए एक नए पुलिस अधिनियम का मसौदा तैयार करने के लिए एक समूह रखा। इसकी अध्यक्षता की थी सोली सोरावजी, पूर्व महान्यायवादी थे। समिति ने 2006 में के अंत में केंद्र सरकार को एक मॉडल पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया। फिर आता है विकास सिंह बनाम भारत संघ 2006 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश। 1996 में विकास सिंह के पूर्व प्रमुख असम पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस और बाद में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल ने पहल की कि जनहित याचिका में भारत का सर्वोच्च न्यायालय और अदालत ने भारत भर के पुलिस बलों में सुधार के
उपायों की जांच करने और कानून के समुचित शासन को सुनिश्चित करने के लिए भारत भर में सुरक्षा में सुधार करने के उपायों की जांच करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस सुधारों पर विभिन्न रिपोर्टों का अध्ययन किया और अंत में 2006 में न्यायमूर्ति की एक पीठ सबरवाल, न्यायाधीश सी के ठक्कर और न्यायमूर्ति पी के बला सुब्रमण्यम ने राज्य सरकारों को पुलिस बल में कई सुधारों को लागू करने का आदेश दिया। भारत में पुलिस को पेशेवर बनाने के लिए आवश्यक कई उपायों की पहचान की गई। ये उपाय आपके हैं। एक मध्य या उच्च रैंकिंग पुलिस अधिकारी को हर 2 साल में अधिक बार स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य सरकार पुलिस बल को किसी को नियुक्त करने के लिए नहीं कह सकती है, ना ही क्या वे महानिदेशक चुन सकते हैं राज्य का। जांच और गश्त के लिए अलग अलग विभाग और कर्मचारी होने चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे। नीतियों और दिशा के लिए एक राज्य सुरक्षा आयोग, एक पुलिस स्थापना बोर्ड जो पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के चयन, पदोन्नति और स्थानांतरण का फैसला करेगा, एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण पुलिस के कदाचार के आरोपों में पूछताछ करने के लिए होगा। ठीक है, फिर आता है मॉडल पुलिस अधिनियम 2006। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में क्या था? केंद्र सरकार ने पुलिस अधिनियम 1861 को पिति स्थापित करने वाले एक नए मॉडल पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 2005 में पुलिस अधिनियम मसौदा, इसके अध्यक्ष थे समय सोली सोरावजी की स्थापना की। आप समझ सकते हैं कि अभी 1861 अंग्रेजों के समय की पुलिस व्यवस्था कानून अभी हमारे यहाँ फॉलो की जा रही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि उस समय अलग स्थिति थी, अभी अलग स्थिति है, तो अभी तक उसमें सुधार वही नहीं किया गया था। समिति ने 2006 में मॉडल पुलिस अधिनियम प्रस्तुत किया जो जो सभी को प्रसारित किया गया। 2006 में 17 राज्यों, इसमें आपका असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड ने नए कानून पारित किए और अपने मौजूदा संशोधन किए इस नए मॉडल कानून को के विकास में कानून आए। कई ऐसे कानून हैं जो अभी अंग्रेजों के समय के हैं और अभी भी फॉलो किए जा रहे हैं, अब जल्द बदलाव किए जा रहे हैं, जो भी नया होता है बदलने लगता है। माननीय एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या निर्देश दिए गए उन्हें भी देख लीजिए। निर्देशन एक, राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करें, कर सेवा सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार पुलिस पर अनुचित प्रभाव या दबाव ना डाले। विस्तृत नीति निर्देश, दिशा निर्देश और लेट राज्य पुलिस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें। निर्देश दो, सुनिश्चित करें कि डीजीपी की योग्यता आधारित पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति किया गया और 2 साल की न्यूनतम कार्यकाल सुरक्षित हो। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप देखते हैं कि जो अधिकारी सरकार के पक्ष में रहता है और सरकार के साथ मिलकर काम करता है, मतलब बुरे कामों में, तो उसे जल्दी पदोन्नति मिल जाती है, उसका ट्रांसफर नहीं होता है। जो सरकार के विरोध में जाकर काम करता है, सही रास्तों पर चलता है, उसे आप देखते हैं कि ट्रांसफर पर ट्रांसफर मिलते रहते हैं। तीसरा निर्देश था इसमें एंसू एंसूर थेरो थेर पुलिस पुलिस ऑफिस पर्सनो फेरेशनल ड्यूटी, एक जिले के पुलिस अधीक्षक के प्रभावी और प्रभारी और स्टेशन हाउस के अधिकारी, एक थाने के प्रभारी सहित को भी 2 वर्ष का न्यूनतम कार्यकाल प्रदान किया जाता है। यानी कि इससे कि या एक आदमी अगर 2 वर्ष कहीं ठहर रहा है तो वो अच्छे से सेटल तो हो जाएगा। अब सोचिए आप, 10 दिन में किसी का ट्रांसफर दूसरी जगह कर दिया जाए, उसके 10 दिन बाद दूसरी जगह कर दिया जाए, तो इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। निर्देश 4 क्या था? पुलिस की जांच और कानून व्यवस्था को अलग अलग करना। निर्देश 5, पुलिस अधीक्षक के पद के नीचे और नीचे के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी मामलों को तय करने के लिए एक पुलिस स्थापना बोर्ड पीईबी का गठन करें और वो पुलिस अधीक्षक के पद के ऊपर पोस्टिंग और स्थानांतरण पर सिफारिशें करें। 6, पुलिस हिरासत में और गंभीर बलात्कार सहित गंभीर कदाचार के मामले में पुलिस अधीक्षक के पद से ऊपर और ऊपर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों की
जांच करने के लिए राज्य स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण पीएसए स्थापित करें, और पुलिस हिरासत में या फिर बलात्कार गंभीर दुर्व्यवहार के मामलों में पुलिस अधीक्षक उपाधीक्षक के पद से नीचे के पुलिस कर्मियों के खिलाफ सार्वजनिक शिकायतों की जांच के लिए जिला स्तर के पीसीए बनाया जाए। ठीक है, इसमें निर्देश 7 है, निर्देश 5 के बाद देख रहे हैं, निर्देश 7 दे दिया। चलिए इसे आप लोग 6 मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के चयन और नियुक्ति के लिए एक पैनल तैयार करने के लिए 2 साल के न्यूनतम कार्यकाल के साथ एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग की स्थापना करें। एक बात हमेशा मैं बोलता आया हूँ आप लोगों से कि आप लोग कुछ भी गलत हो, कहीं भी गलत लिखा हो, आपको सिर्फ वो पकड़ना है जो आपके लिए जरूरी है। कोई क्या लिख रहा है आर्टिकल में, क्योंकि कई आर्टिकल सरकार की बुराई के पक्ष लिखे होते हैं, तो आपको ना तो पूरी बुराई पकड़ लेनी है उसमें से, फिर मालूम चला आप सरकार के पूरी तरह से विरोधी हो गए, और आंसर लिखने के लिए आया तो आपने ठोक दिया पूरी तरह से सरकार को, तो ये गलत है, आप लटक जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल सावधानी बरत कर बराबर मतलब बैलेंस बनाकर लिखना है, और अच्छे अच्छे पॉइंट आपको पकड़ना है, बाकी छोड़ देना है। ठीक है, इन निर्देशों ने 1979 के बाद से उत्पन्न सुधार के विभिन्न किस्सों को एक साथ खींचा। न्यायालय को कार्यकारी आदेश या नए पुलिस कानून के माध्यम से अपने आदेशों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता थी। प्रारंभ में न्यायालय ने स्वयं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुपालन की निगरानी की। हालांकि 2008 में इसने राज्य द्वारा अनुपालन, राज्य की जांच करने और समय समय पर वापस रिपोर्ट करने के लिए 2 साल के जनादेश के साथ 3 सदस्य निगरानी समिति का गठन किया। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देश के अनुपालन आंकड़े, अब तक केवल 14 राज्यों ने नए पुलिस अधिनियम को लागू किया है या ऐसे के सुझाव को शामिल करने के लिए अपने मौजूदा कानून में संशोधन किया है। 14 राज्यों में पुलिस सुधार के लिए समग्र सिफारिशों का सारांश देखते हैं। पुलिस की जवाबदेही, राजनीतिक कार्यकारी बनाम परिचालन स्वतंत्रता के लिए जवाबदेही। भारत में पुलिस के खिलाफ विभिन्न प्रकार की शिकायतें की जाती हैं, जिसमें अनुचित गिरफ्तारियां, गैरकानूनी खोजें, यातनाएं, हिरासत में बलात्कार की शिकायतें शामिल हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अभी हमारे यहाँ ये व्यवस्था हो चुकी है कि व्यक्ति रिपोर्ट डालने से डरता है, अगर उस पर मारपीट हो जाए, उसके साथ कुछ घटना घट जाए, तो वो पुलिस चक के चक्कर नहीं काटना चाहता है। ये स्थिति हो गई हमारी पुलिस व्यवस्था की। सभी पुलिस वाले खराब नहीं है, अधिकतर लेकिन खराब है, इसमें कोई शक नहीं है, दोहरा नहीं है, आप समझ रहे हैं। और जिसे हम लोग अपना रक्षक समझते हैं, पुलिस हमारी रक्षक है, आप देखते हैं उनकी क्रूरता की कहानियां, कई जगह आप मिसाल भी देखते हैं पुलिस वालों की, लेकिन अधिकतर जगह आप लोग क्या करते हैं, क्रूरता देखते हैं, इनकी हेमानियत देखते हैं आप लोग। उसी सुधार की बात की जा रही है, किसी को अगर बदला लेना है तो पुलिस आपके साथ है, उसकी गिरफ्तारी करवा दीजिए। यहां तक देखा है कि हिरासत में बलात्कार भी किया गया है, इससे ज्यादा आप समझ रहे हैं कि हम जिसे अपना रक्षक समझ रहे हैं वही बच्चा निकल रहा है। इसीलिए व्यक्ति जाने से डरता है कि चलिए उनका चक्कर काटने से अच्छा है कि घर में बैठ जाए। ऐसा आरसी सेकंड ने नोट किया कि इस नियंत्रण का अतीत में राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा पुलिस कर्मियों का प्रभाव को कम करने के लिए दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें व्यक्तिगत तो और राजनीतिक हितों की सेवा प्रदान की गई, या पुलिस द्वारा पेशेवर निर्णय लेने में हस्तक्षेप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्तव्यों का पक्षपाती प्रदर्शन होता है। जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए पुलिस को अधिक से अधिक परिचालन स्वतंत्रता देने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों से ने सिफारिश की है। पुलिस बलों पर अधीक्षक की राजनीतिक कार्यकारी शक्ति सीमित होनी चाहिए। देखिए, ये लिखित है, ये मतलब सलाह दी जा रही है, लेकिन अधिकतर बार आपने देखा है कि कोई अपना धर्म नहीं निभा रहा है, फिर चाहे आपके नेता हो, चाहे फिर आपके पुलिस वाले हो, कोई भी हो, पुलिस वाली सरकार के पक्ष में रहती है हमेशा, जिसकी सरकार है उसी के हाथ में रहती है, और उसका भी दुरुपयोग दबा के करते हैं। एसआरसी ने सिफारिश की कि यह शक्ति पेशेवर क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीमित है, यह सुनिश्चित करना कि पुलिस कानून के अनुसार काम कर रही है।
स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण एसआरसी सेकंड और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पुलिस के कदाचार के मामलों में पूछताछ करने के लिए एक स्वतंत्र शिकायत प्राधिकरण होने चाहिए। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि राजनीतिक कार्यकारी और आंतरिक पुलिस निगरानी तंत्र कानून प्रवर्तन अधिकारियों के का पक्ष ले सकते हैं और एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के तहत पुलिस अधिनियम मसौदा समिति 2005 और सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देशों 2006 के तहत राज्यों को और जिला स्तर के शिकायत प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता होती है। रिक्तियां और अत्यधिक बल। वर्तमान में राज्य पुलिस बलों और कुछ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भीतर महत्वपूर्ण रिक्तियां यानी कि जगह खाली हैं। जनवरी 2016 तक 24% रिक्तियां यानी कि 5,49,025 रिक्तियां थी, यानी कि आपके 5,49,025 यहाँ पद खाली थे, के साथ भारत भर में राज्य पुलिस बलों की कुल स्वीकृति संख्या 22,80,691 थी। पुलिस बलों के भीतर रिक्तियों का एक उच्च प्रतिशत अत्यधिक पुलिस कर्मियों की मौजूदा समस्या को बढ़ाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने अनुशंसित मानक प्रति व्यक्ति 222 पुलिस प्रति व्यक्ति है, यानी कि कहने का मतलब है कि 222 व्यक्तियों को संभालने के लिए एक पुलिस वाला काफी है। भारत की स्वीकृति शक्ति प्रति लाख व्यक्तियों पर 181 है। कितनी? 181 है। होना कितना चाहिए? प्रति लाख पर 222 पुलिस वाले होने चाहिए, लेकिन अभी आपके पास 181 है। एसआरसी सेकंड ने सिफारिश की कि पुलिस वालों को के बोझ को कम करने के लिए एक तरीका सरकारी विभागों या निजी एजेंसियों को कुछ गैर कोर पुलिस कार्यों जैसे यातायात प्रबंधन, आपदा बचाव, राहत और अदालत के सम्मान जारी करना को आउटसोर्स या पुनर्वितरित करना हो सकता है। इससे पुलिस वालों को अपनी कोर पुलिसिंग कार्यों के लिए अधिक समय और ऊर्जा देने की अनुमति मिलेगी। तीसरा है इसमें कॉन्स्टेबुलरी संबंधी समस्याएं, योग्यता और प्रशिक्षण। पद्मनाभ समिति और एसआरसी सेकंड ने उल्लेख किया है कि प्रवेश स्तर की योग्यता अर्थात कई राज्यों में कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरी करना और कॉन्स्टेबलों का प्रशिक्षण उनकी भूमिका के लिए योग्य नहीं है। इस संबंध में भी कई सिफारिशें सिविल पुलिस में कक्षा 12वीं या फिर स्नातक में प्रवेश के लिए योग्यता बढ़ाने के लिए की गई है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अभी जो आप 10वीं पास हो जाते हैं पुलिस का फॉर्म डाल सकते हैं, इसे बढ़ाने कर 12वीं या फिर स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई कि कॉन्स्टेबलों और सामान्य रूप से पुलिस बल को नरम कौशल जैसे संचार, परामर्श और नेतृत्व में अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उन्हें नियमित रूप से जनता से निपटने की आवश्यकता होती है। प्रचार और कार्य की स्थिति। एसआरसी सेकंड ने आगे उल्लेख किया है कि कॉन्स्टेबलों के प्रचार के अवसर और काम की स्थिति खराब है, इसे सुधारने की आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में एक कॉन्स्टेबल अपनी जीवन काल में केवल एक पदोन्नति की उम्मीद कर सकता है। आमतौर पर एक हेड कॉन्स्टेबल के रूप में सेवानिवृत्त होता है, जो अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपने प्रोत्साहन को कमजोर करता है। एसआरसी ने आगे सिफारिश की कि पूरे राज्य में अर्दली प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। चौथा है अपराध की जांच। भारत में पिछले एक दशक में अपराध दर में 28% की वृद्धि हुई है। हालांकि सजा की दर प्रति 100 मामलों में सुरक्षित है काफी कम रही है। 2015 में भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत दर्ज अपराधों की सजा दर कितनी? 47% थी। विधि आयोग ने देखा कि इसके पीछे एक कारण जांच की खराब गुणवत्ता है। विधि आयोग और एसआरसी सेकंड ने उल्लेख किया है कि राज्य पुलिस अधिकारी अक्सर इस जिम्मेदारी की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यों के साथ समझा ओवर ओवरवर्क किया जाता है। इन पहलुओं के प्रकाश में विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि राज्यों के पास पुलिस बल के भीतर अपनी विशेष जांच इकाई होनी चाहिए जो अपराध जांच के लिए जिम्मेदार है। इन इकाइयों को अन्य कर्तव्यों के लिए सामान्य रूप से परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस का बुनियादी ढांचा।
आधुनिक पुलिसिंग के लिए एक मजबूत संचार सहायता और अत्याधुनिक या फिर आधुनिक हथियारों और उच्च स्तर की गतिशीलता की आवश्यकता होती है। CAG, BPRD ने इनमें से कई मोर्चों पर कमियों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए राजस्थान पुलिस बल 2009 से 2014 के बीच एक ऑडिट ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य की अपनी निर्दिष्ट आवश्यकताओं के खिलाफ आधुनिक हथियारों की उपलब्धता में 75% की कमी थी। CAG ने पाया कि आधुनिकीकरण के लिए बने धन के कम होने की लगातार समस्या बनी हुई है। 2015-16 में केंद्र और राज्यों ने आधुनिकीकरण के लिए 9,203 करोड़ रुपए आवंटित किए, हालांकि इसका केवल 14% खर्च किया गया, यानी कि जितना दिया गया था उसमें से केवल 14% ही खर्च किया जा सका। फिर आपका पुलिस पब्लिक रिलेशन, ये सबसे बुरी स्थिति है यहाँ पुलिस की। प्रभावी पुलिसिंग में पुलिस जनसंपर्क एक महत्वपूर्ण चिंता है। SRC सेकंड ने नोट किया है कि पुलिस पब्लिक रिलेशन असंतोषजनक स्थिति में, क्योंकि लोग पुलिस को भ्रष्ट, असक्षम, राजनीतिक रूप से पक्षपातपूर्ण और गैर जिम्मेदार मानते हैं। इस चुनौती को संबोधित करने के तरीकों में एक समुदाय पुलिसिंग मॉडल के माध्यम से है। समुदाय पुलिसिंग के लिए अपराध की रोकथाम और पता लगाने, और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और स्थानीय संघर्षों को हल करने, जीवन को बेहतर गुणवत्ता और सुरक्षा की भावना प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस को समुदाय के साथ काम करने की आवश्यकता होती है। विभिन्न राज्य समुदाय पुलिसिंग के साथ प्रयोग कर रहे हैं, जिनमें आपका केरल, आईटीएफ, जनमित सुरक्षा परियोजना, राजस्थान के माध्यम से कमेट संयुक्त गश्त समितियां, और असम में मी मीरा पावी के माध्यम से शामिल हैं जनता से जुड़ने के लिए। निष्कर्ष का क्या कहा जा सकता है? किसी भी समाज के लिए समृद्धि और नैतिकता को प्राप्त करना और बनाए रखना महत्वपूर्ण है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कुशल और प्रभावी पुलिस आवश्यक है, खासकर भारत जैसे विकासशील देश में। इसलिए यह उच्च समय है कि राजनीतिक और स्थायी कार्यकारी को पुलिस कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाने के लिए उपचारात्मक उपायों को लागू करना चाहिए। तो ये पूरी कहानी थी आपकी पुलिस व्यवस्था में सुधार की। ठीक है, जो अच्छे पॉइंट लगा करिएगा उसे ही आप लोग लिख लिया करिएगा, बाकी छोड़ दिया करिएगा। ठीक है।